पार्ट 7 देखते हैं। 10a² - 15b² + 20c² अब टोटल 3 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस के बाद ये सेकंड टर्म है, फिर प्लस के बाद ये थर्ड टर्म है, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल्स टू 10 को क्या लिखोगे, 2 × 5 इंटू ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए इंटू ए, माइनस 15 को क्या लिखोगे, 3 × 5 इंटू बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, बी इंटू बी, प्लस 20 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5, ठीक है, 2 × 2 × 5 इंटू सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, c × c, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में नंबर्स कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, प्रॉब्लम आ गई, छोड़ दो, नहीं ले सकते हो कॉमन, पर यहाँ है 2, यहाँ पर 2 नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, लेकिन भाई तीनों टर्म में 2 कॉमन आना चाहिए था ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, सो 5 आ जाएगा कॉमन, करेक्ट, 5 आ गया कॉमन। अब ए यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ नहीं, इसी तरीके से बी यहाँ है, यहाँ यहाँ नहीं, सी थर्ड टर्म में यहाँ नहीं, तो ओनली 5 कॉमन आएगा बस। सो ब्रैकेट में 5 चला गया बाहर, 2 × a × a, यानी कि 2 × a × a बचेगा फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस 5 चला गया बाहर, क्या बचेगा, 3 × b × b, ओके, अब प्लस 5 चला गया बाहर, क्या बचेगा, 2 × 2 × c × c, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 रहेगा बाहर और ब्रैकेट में 2 ऐसे ही रहेगा, a × a² यानी कि 2a² माइनस 3b × b होता है b², सो 3b² प्लस 2 × 2 होता है 4 और c × c होता है c², करेक्ट। सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, 5 इन द ब्रैकेट 2a² - 3b² + 4c², प्लीज नोट कर लीजिए।